हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनजी गेमिंग। आज मैं आप लोगों को फिर से लेकर चुका हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 20 के एक नए ब्रांडी और न्यू एपिसोड। आज हम यहाँ पे कैनोले की कटाई करने वाले हैं। आप लोगों ने हमारी अगली वीडियो में देखा है, हम लोगों ने उस बड़े वाले खेत में हम लोगों ने ओट की कटाई की थी, वो अभी भी इस ट्रैक्टर में लोडेड है। मैं सीधे यहाँ पे अपने जूनियर हार्वेस्टर को लेकर आ चुका था, इसलिए इसी में लोडेड थी। मैंने अभी अभी इसको अपने ट्रैक्टर में लोड कर लिया है। अब हम इस कैनोला के प्लांट्स को काटने वाले हैं। आप लोगों ने हमारे जॉन डियर की हार्वेस्टर मशीन देखी रखी होगी कि मैंने ब्लेड को नीचे रख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं काटना। अब हम चेक करने वाले हैं कि इस खेत में से कितना कैनोला निकलता है। ये मुझे ऐसे ही फ्री में प्लांट्स मिल गए, मतलब कि मैंने इस खेत को बाय किया था, तभी इसमें जिस फार्मर ने भी बोए होंगे उसने हमको फ्री में दे दिए है। फ्री में तो नहीं दे कह सकते, लेकिन इस खेत के साथ मिलते हैं, इसलिए अपना प्रॉफिट तो बनता ही है। क्योंकि हम जब खाली खेत के प्राइस देते हैं तब हमको को भी प्रॉफिट रहता है, और जैसे हम ये पकने आता है, पका हुआ पाक होता क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं, उसकी साथ हम खेत को खरीदते हैं तो हम लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है। क्योंकि ये प्लांट्स भी पकने वाले होते हैं और हम खेत को भी बाय कर लेते हैं, मतलब कि हम लोगों को दुगना जितना पैसा हम लोग इस खेत को खरीदने में लगाते हैं उसके साइड से 20% या 5% पैसे हमको इस प्लांट्स में से भी मिल जाएंगे। ये अपने दूसरी लेन है, कैसे काम करा आप देख सकते हो अपना जॉनडियर हार्वेस्टर। इधर और ढलान है इसलिए ये 1000 रुपये पर चल रहा है, आप देख सकते हो। ये दूसरी लेन भी ख़त्म हो चुकी है, अब अपने हार्वेस्टर को लगाते हैं तीसरी लेन में। अपने हार्वेस्टर मशीन आरपीएम ड्रॉप नहीं करती, इसलिए अच्छी बात है। लेकिन अपने जब पहले आती है हमने हॉलैंड की छोटी वाली, सबसे छोटी और कम एचपी की, वो ऐसी चढ़ानों में छोटी छोटी जगहों पे आरपीएम ड्रॉप कर दी थी, जिसकी वजह से हम लोगों को एक छोटा सा खेत काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन मैंने इस बड़ी अपनी जॉन डियर हार्वेस्टर को जब से बाय किया है तब से अपने को खेत काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये तीसरी लेन भी ख़त्म हो चुकी है, अब घुमाते हैं अपने जॉन डियर हार्वेस्टर को। ये यहाँ से लगा देते हैं। एक चौथी लेन चल रही है, शायद से और 4 लेने लगेगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब देखते हैं कितनी लेने लगते हैं इस खेत में। शायद से 3 लेने लगेगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा खेत कट जाएगा। अब देख सकते हैं कैसे इस रास्ते पे गाड़ियां जा रही है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त हो रहा है। जैसे ही रात का वक्त हो जाता है वैसे ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ आना बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी काउस का फार्म, पिक फार्म जैसे और भी फार्म्स खोलने वाले हैं, मतलब 2-3 अपने पास फार्म है वो खोलने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी तक वो फार्म्स खोलने के टाइम नहीं मिले हैं। और वो फार्म्स में बहुत जल्दी खोलने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
अगली वीडियो में मैं आपको शायद से शुगर बीट या इस कैनोला के एक और प्लांट की कटाई या बुआई का वीडियोस में आप लोग के आ जाऊँगा। जल्दी से मैं स्ट्रो कलेक्ट का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्ट्रो कलेक्टिंग का एक भी वीडियो रहे अपलोड किया है। क्या बात है, ये मशीन कितनी ज़बरदस्त चल रही है, आप देख ही सकते हो। पीछे से जो फूक रहा है, ये क्या कहते हैं, ये पीछे से जो हवा के प्रेशर के माध्यम से जो फेंक रहा है घास को, वो अपने आप ही खेत में मिल जा रही है, जिसकी वजह से खेत को खाद मिल जा रही है और अपने को इस वे खाद डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ओहो क्या बात है, धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी से कट जाए तो अच्छा है अपने खेत। अरे दो लेना फिर से, मतलब कि अपनी 7 लेन है तो ख़त्म हो चुकी है ये, और 8वीं लेन चल रही है अपनी। इधर हम लोग गायों को जो हम लोगों ने बाई की होती है उसको हम सेल कर सकते हैं, और जो उन लोगों को ने जो क्या कहते हैं वो बुला मेरा भी यार क्या कहें, उसको गायों को हम बहुत ही खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद हम जब बिकते हैं तब इसकी हेल्दी सेहत को, जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब अपने आखिरी वाले लिए इधर को स्प्राइट उसमें भी पीते हैं क्या, इधर स्प्राइट का क्या कहते हैं वो लगा हुआ है, नहीं रे फ्रीजी स्प्राइट, स्प्राइट का ही है। मैंने अब तक स्प्राइट की इस गेम में एक भी शॉप नहीं दिखी, और यहाँ पे स्प्राइट का बोर्ड लगा हुआ है, देखना पड़ेगा इस गेम में कहीं पर मिलती ही क्या, नहीं तो अपना ड्राइवर बाबू को लेकर चले गए, उसके बाद स्प्राइट भी लगा लगे। ये अपना आखिरी लेन चल रही है, काफ़ी देर होने के बाद हम लोगों ने इस खेत को काट लेने वाले, कट जाने वाला है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, रात की वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नींद आ रही है, क्या करें। ये खत कट चुका है, मतलब कि एक फार्म कट चुका है, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दो। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।